स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्रिय शिष्यों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसको कि हम लोग स्टडी 91 पर स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अवध साम्राज्य के संदर्भ में। अवध साम्राज्य जो कि वर्तमान लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में अपने अस्तित्व में आता है 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, जब हिंदुस्तान में उथल पुथल जो है चल रही थी और मुगल साम्राज्य जो है अब अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। हिंदुस्तान पर गोरी चमड़ी वालों का जो है शासन अब धीरे धीरे जो है स्थापित हो रहा था। उन्हीं दिनों एक व्यक्ति सआदत अली खां के द्वारा अवध साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जिसकी राजधानी बनाई गई थी कहां? फैजाबाद। अवध साम्राज्य से संबंधित कुछ ये प्रश्न जो कि आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में रहता था? किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया किसने बनवाया? जाट जाति का अफलातून किसको कहा जाता था? या और भी ऐसे बेहतरीन प्रश्न। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये सेशन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है और जीएस में हिस्ट्री पूछी जाए तो ये सेशन आपके लिए रामबाण है। वैसे सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके जो है यहां पर क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ये सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस में आप लोगों को जो है उपलब्ध होता है। सुबह को 10 बजे मिसलेनियस जीएस में आप नितिन सर उपस्थित होते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का यह पहला सवाल, अवध राज्य की राजधानी लखनऊ को स्थानांतरित की गई थी। सबसे पहले, अब तो अवध जो है वर्तमान समय में अवध के नाम से जो है कोई स्थल नहीं है, लेकिन लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में अवध साम्राज्य की स्थापना होती है कब? 1722 में। किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सआदत के द्वारा जो है किया जाता है, सआदत खां के द्वारा किया जाता है, जिसको अवध का राजा की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। आपसे पूछा जाता है कि अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? सआदत अली ने किया। किसके शासनकाल में किया? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किया। और इसे अवध के राजा की उपाधि भी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला जिसका खुद का शासनकाल 1719 से लेकर के और 1748 के बीच रहा था। सआदत अली का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था सफदरजंग। क्या नाम था? सफदरजंग। और सफदरजंग के बाद अगला व्यक्ति जो है शासक होता है जिसका नाम था शुजाउद्दौला। क्या नाम था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो कि बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सेकंड और बंगाल के नवाब का साथ देता है। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था आसफ उद्दौला। इनके लिए आफत उद्दौला था उस समय का ये दौर, और ये 1775 से लेकर के 97 तक इस पद पर बने रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में अवध की जो पहली राजधानी थी फैजाबाद, जिसका नाम अब जो है अयोध्या जिंदाबाद हो गया, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित था। यहां से राजधानी जो है गोमती नदी के तट पर स्थित जो है शहर नवाबों की नगरी जो है लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। कब? 1775 में, 1775 में। किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे कि यह घटना हुई थी आसफ उद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो आसफ उद्दौला के शासनकाल में ही राजधानी का परिवर्तन हो गया था। हालांकि उसका अनाउंसमेंट जो है शुजाउद्दौला के द्वारा जो है पहले ही किया जा चुका था। किसके द्वारा? शुजाउद्दौला के द्वारा इसका अनाउंसमेंट जो है पहले किया जा चुका था, लेकिन इस काम को अंजाम दिया था किसने? आसफ उद्दौला ने। अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में, किस आरोप में? कुशासन के आरोप में 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, जबकि 1784 में इसी आसफ उद्दौला के द्वारा जो है इमामवाड़ा की स्थापना की गई थी।
इमाम बाड़ा, जिसको कि भूल भुलैया कहा जाता है। यह भूल भुलैया आज भी लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण कार्य भी इसी ने, आसफ उद्दौला ने कराया था। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, अगर छोटा इमाम बाड़ा पूछेगा तो छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इसकी स्थापना जो है कराया था किसने, मोहम्मद शाह ने 1838 में। यह भी लखनऊ में ही स्थित है। 1857 की क्रांति में अवध का अंतिम शासक था जिसका नाम था, क्या क्या नाम था, तो उस समय मोहम्मद वाजिद अली शाह, मोहम्मद वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जब कुशासन का आरोप लगा करके जो है इनको गिरफ्तार किया गया, ब्रिटिश सेना जब इनके राजमहल में पहुंची तो ये चुपचाप जो है पलंग पे विराजमान थे। इनसे पूछा गया कि कबे सब भाग गए, तू काहे नहीं भागा, तो कहें कैसे भाग जाते, नंगे पांव भाग जाते, जूता पहनाने वाला कोई था ही नहीं। तो ये नवाबियत थी, ये रहीसी थी, लेकिन अंग्रेजों ने टॉर्चर किया तो वही जूता जो है सिर पे लेके भाग चले। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग्स के साथ अवध का कौन सा नवाब सम्मिलित हुआ? बनारस की संधि हुई कब थी? बनारस की संधि कब हुई थी? आप कहेंगे कि 1774 में हुई थी। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स और किसके बीच हुई थी? तो शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। किसके बीच हुई? शुजाउद्दौला के बीच हुई। आपको मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, तो बताया भी था बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई। बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और इसी शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 के दिन इलाहाबाद में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इलाहाबाद की जो पहली संधि थी, इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच। और मैं बताया भी था इलाहाबाद की संधि थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बनारस को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। पहली संधि हुई थी कब? तो आप कहेंगे कि 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुई थी? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह था ये। जबकि दूसरी संधि किसके किसके बीच हुई? तो दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच? तो वहां भी रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव, और किसके बीच हुई थी? तो यही महोदय थे। कौन? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो अवध का हिस्सा था वो ले लिया गया। और किसको दे दिया गया? शाह आलम को। कौन सा? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है दे दिया गया, इनको दे दिया गया। और इसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है प्राप्त कर लिया, वहां की दीवानी प्राप्त कर ली। कड़ा और इलाहाबाद के बदले में उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तब का बांग्लादेश, बर्मा भी उसमें जो है सम्मिलित था, उसको प्राप्त कर लेना बिल्कुल यूं था जैसे तांबे को हीरे के बदले में जो है बदल दिया गया हो। बहरहाल ये जो कड़ा और इलाहाबाद था ये शाह आलम के पास था और ये भी बहुत दिन इनके पास नहीं रहा। जब रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर बनकर के आया तो यही कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है फिर वापस जो है किसको बेच दिया? शुजाउद्दौला को। कितने में? 50 लाख में। इन्हीं का क्षेत्र इन्हीं को फिर 50 लाख रुपए में बेच दिया। किस संधि के तहत यह सौदा हुआ था? बनारस की संधि के तहत। और इनकी औकात नहीं थी कि ये कह दें कि हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदते, ये नहीं खरीदते तो इनको खराद देता। तो इन्होंने इसी बनारस की संधि के तहत अपने ही क्षेत्र को 50 लाख रुपए में फिर खरीद लिया। किसने? शुजाउद्दौला ने। हालांकि इसी संधि का जो है असर था कि 1774 में इन्होंने रुहेलखंड को जीत लिया।
रुहेल खंड को जो है जीता, रुहेल खंड पर अटैक किया, वहां के शासक को जो है इन्होंने युद्ध में मार दिया और रुहेल खंड को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तब का रुहेल खंड का मतलब कि जो है आज का बरेली वाला जो ये बेल्ट है, राय बरेली नहीं, वो बांस बरेली वाला बेल्ट है, उसी के आसपास वहीं आज भी आंवला तहसील होती है, जिसको कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया जाएगा। उन दिनों रुहेलखंड की वही राजधानी हुआ करती थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखें, सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? फर्रुखसियर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, अहमद शाह अब्दाली ने, या मोहम्मद अली शाह ने? सआदत खां जिसने कि स्वतंत्र अवध की स्थापना किया, स्वतंत्र अवध साम्राज्य की स्थापना 1722 में 1722 में किया, और कब तक किया था? 1739 तक जो है रहा था। तब तक रहा जब तक कि नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण नहीं किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ, तो जो करनाल की लड़ाई हुई थी, करनाल तब दिल्ली का हिस्सा होता था, अब करनाल पड़ता है हरियाणा में, उस युद्ध में सआदत खां ने मोहम्मद शाह रंगीला की सेना की तरफ से युद्ध भी किया था। कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच समझौता 50 लाख रुपए में हो गया था, लेकिन कमीनागिरी कर दिया सआदत खां। सआदत खां कहने के लिए तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ था, लेकिन हकीकत में इस उम्मीद में ये बैठा था कि अगर जो है मोहम्मद शाह रंगीला का ऑपरेशन हो जाता तो दिल्ली के हम बादशाह बन जाते। उसने कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हो तो 20 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। किसने कहा? सआदत खां ने कहा था कि मैं दे दूंगा 20 करोड़ रुपया। अब बताओ, उसके लिए तो ये ऑफर हो गया, और उस ऑफर का फायदा उठाने के लिए नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इतिहासकारों ने लिखा कि 30,000 से 35,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग एक महीने तक, मार्च से अप्रैल तक, दिल्ली पर नादिर शाह ने जो है शासन किया था। और उसी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया तो इस सआदत को जो है पत्र लिखा कि कबे 20 करोड़ तुम भी देने के लिए कहे थे, लाओ। युद्ध के बाद ये चले आए थे कहां? लखनऊ, सॉरी फैजाबाद, तब राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। उधर से इनको बुलावा आया, इनकी हालत बिगड़ गई, ये न जाते तो मार दिए जाते, जाते तो मारे जाते। इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। तो पहला अवध का नवाब जिसने कि अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, पैर में नहीं सीधे उठा के गर्दन में मारी थी इसने, जहर खा के आत्महत्या कर लिया, यही था सआदत खां था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा सही जवाब होगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको अवध के राजा की उपाधि दी, इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी, और इनके साथ मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा वफादार रहा, लेकिन ये जो है हमेशा आस्तीन का सांप ही जो है साबित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ऐसे जो है हमेशा लोग भारत की राजनीति में जो है रहे हैं, जिसके साथ रहे उसका साथ नहीं दिए, जिसका साथ दिए उसके साथ रहे नहीं, कब नीतीश कुमार हो जाए कोई भरोसा नहीं था। बहरहाल अगला प्रश्न देखो, छोटा इमामबाड़ा की स्थापना कब की गई थी? छोटा इमामबाड़ा की स्थापना कब की गई? अभी तो मैंने बताया था 1838 में किया गया था। छोटा इमामबाड़ा की स्थापना मोहम्मद अली शाह ने किया था, मोहम्मद अली शाह, जो कि अवध का जो है दसवां नवाब था। कौन सा? दसवां नवाब था मोहम्मद अली शाह, उसी के द्वारा छोटा इमामवाड़ा की स्थापना की गई। अगर बड़ा इमामवाड़ा जो है पूछे, बड़ा इमामवाड़ा इसी को जो है भूलभुलैया कहते हैं, और भूलभुलैया की स्थापना 1784 में कराया था किसने? तो उस सवाल का जवाब होगा आसफ उद दौला ने कराया था। आसफ उद दौला के द्वारा जो है कराया गया था, जिसको कहा जाता है कि उन दिनों भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, तो
लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोग भूखे मरने लगे, तो आसफ उद्दौला के द्वारा इमाम वाड़ा की नींव रखी गई और उस पर काम शुरू हुआ, ताकि जो है उस क्षेत्र के लोगों को जो है मजदूरी करके भोजन जो है प्राप्त हो सके। और लोगों ने सिर्फ खाने पर, मजदूरी नहीं, सिर्फ खाने पर इसके लिए इस इमामवाड़े पर जो है काम किया। कहा जाता है कि जो दिन भर बनाया जाता था, इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे करके जो है उसको रात में गिरवा देते थे, सुबह फिर बनाया जाता था, ताकि लोगों को कम से कम जो है उसी बहाने जो है भोजन तो मिलता रहे। इसीलिए उसको सूखा राहत के तहत जो है इसका निर्माण कराया गया था, और मुहर्रम त्यौहार के मनाने के लिए इसका जो है निर्माण कार्य कराया गया था। 1739 में मैंने बताया था कि सआदत खां, जो कि इस साम्राज्य का जो है फाउंडर था, यह जहर खा करके जो है आत्महत्या कर लिया था। इसने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया, अपना काम ही जो है खत्म कर लिया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कहां पर हुआ? बिहार में पड़ता है आज भी बक्सर। किस नदी के तट पर हुआ? गंगा नदी के तट पर जो है पड़ता है। वहीं थोड़ी दूर में जो है चौसा में गंगा से जो है आकर के कर्मनाशा जो है कर्मनाशा नदी मिलती है। चौसा का युद्ध कभी पढ़ाया था, जो कि हुमायूं और जो है किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी के बीच 1739 में हुआ था। बहरहाल बक्सर का युद्ध, जिसके बाद हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ और हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों के बीच, और बंगाल का नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम, अवध का नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, और दिल्ली का मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। अंग्रेजों के सेना का उस समय नेतृत्व जो कर रहा था व्यक्ति, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय श्री प्राप्त की और भारत का मुकद्दर वहीं रूठ गया। हालांकि यहीं पर सबसे पहले आरा के एक जो है सैनिक, जिनका नाम जो है गोपीनाथ सिंह था, उनके नेतृत्व में यहां सैनिकों ने बगावत किया था, और हिंदुस्तान की धरती पर सन्यासियों के बाद सबसे पहले जो है अगर बगावत किसी ने किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसी ने किया, तो सैनिकों ने किया था। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि 1763 में हुआ और चला कब तक? जो है 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल किसी ने बजाया तो सन्यासियों ने बजाया। जब गंगा सागर पर या फिर कलकत्ता में स्थित काली माता मंदिर पर जो है जाने के लिए तीर्थयात्रा कर लगाया गया, उसके विरोध में सन्यासियों ने सबसे पहले विरोध किया था, जिससे प्रभावित हुआ कौन? मीर कासिम। मीर कासिम का जो है ससुर था जिसका नाम था मीर जाफर, और सिर्फ मीर कासिम का वो ससुर नहीं था, जिसका वो जैसा उसका कर्म था सबका ससुर था। उसी के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में शासन करने का मौका मिला था, वरना अगर मीर जाफर गद्दारी नहीं किया होता तो देश का इतिहास शायद कुछ और रहा होता। बहरहाल मीर जाफर ने पत्र लिखा था मीर कासिम को, अपने दामाद को, और कहा था कि अगर हिंदुस्तान में जो सन्यासी हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है अपने अधिकारों के लिए, अगर वो जो है युद्ध कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, तो तुम तो जो है नवाब हो। और इसी घटना से इतना प्रभावित हुआ था मीर कासिम कि सब जानते हुए, परिणाम जानते हुए भी, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं पोस्टमार्टम। सूची वन का सूची एक को सूची दो से मिलाइए। आइए, हैदराबाद जो कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, किस नदी के तट पर है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, इसी के तट पर हैदराबाद है। और स्वतंत्र हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना जो है 1725 में किसने स्थापित किया? निजामुल मुल्क ने किया था।
किसने? निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था। अवध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया, तो आपको मैंने अभी बताया था कि 1722 में सआदत खान ने किया था। बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1717 में किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। और केरल में उन दिनों स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना 1724 में किसके द्वारा किया गया, मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मार्तंड वर्मा के द्वारा जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो कुछ करना ही नहीं है। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, यानी 1 2 3 4, पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। मार्तंड वर्मा, जो मार्तंड वर्मा भारत के पहले ऐसे जो है व्यक्ति थे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने कोला चेल, या कोला चेर शब्द है, कोला चेर का युद्ध हुआ। कब हुआ था? तो 1741 में हुआ। किसके बीच हुआ? मार्तंड वर्मा के बीच हुआ। मार्तंड वर्मा और जो है डचों के बीच हुआ। डच यानी जो है नीदरलैंड के लोगों को डच के नाम से जो है जाना जाता था। और मार्तंड वर्मा ने इसी युद्ध में, कोला चेर या कोला चेल दोनों शब्द जो है मिलता है, इस युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। और इस तरह जो है मार्तंड वर्मा भारत के पहले ऐसे सम्राट हुए, शासक हुए, जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने में सफलता अर्जित की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करेंगे हम लोग ऐसी की तैसी। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? फर्रुखशियर ना, अलवरदी बिल्कुल नहीं, सिराजुद्दौला तो फिर सही कौन सा होगा? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क जिसने की एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, हैदराबाद की जो है स्थापना किया, हैदराबाद की राजधानी हैदराबाद ही इसने बनाया था। आसफ जहां के जो है नाम से इसने राज्याभिषेक कराया। इसी निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में, किसमें? पालखेड़ा के युद्ध में जो है पराजित किया था कौन? बाजीराव। इसने बाजीराव ने पराजित किया। और सुप्रसिद्ध आपसे जो है पूछा जाता है का मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, तो आप कहेंगे कि बाजीराव और निजामुल मुल्क के जो है बीच हुआ था। झलकी की संधि, झलकी या झलकी बाई कहीं लिखा होगा, इसकी संधि किसके किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और किसके बीच हुआ था, तो हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और एक पूछा जाता है आप लोगों से कि राक्षस भुवन की संधि जो है कब हुई थी, राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी, तो उस सवाल राक्षस भुवन की संधि, राक्षस भुवन की संधि, तो ये भी मराठों में, मराठों के और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। दीनानाथ नामक जो है जो इनका दीवान था, इन सभी संधियों में इसका जो है बहुत बड़ा रोल था, यानी मराठों के बीच और इनके बीच ये जो है हमेशा इमीडिएटर का रोल किया था। कौन? दीनानाथ। कौन जो है इमीडिएटर का रोल किया था? दीनानाथ के जो है द्वारा किया गया था। और वैसे भी ये संधि जो है मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी 1752 में, राक्षस भुवन की संधि नहीं याद आ रहा है, अब जो है एक बार जो है देख लेना। झलकीबाई की संधि सॉरी ये हुआ था बाजीराव के समय में हुआ था, तो 1740 में, ये 1752 में। और राक्षस भुवन की संधि, राक्षस भुवन की संधि ये किसके किसके बीच हुआ, तो हैदराबाद के नवाब के बीच हुआ था। और उस समय माधव नारायण, कौन? माधव नारायण, नारायण यही जो है पेशवा थे। अवध के नवाब और माधव नारायण के बीच जो है ये संधि हुई थी। और उस संधि के बीच जो है बहुत दिनों तक इन दोनों लोगों के बीच मामला जो है शांत बना रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इन सभी संधियों में सबसे बड़ी बात है दीनानाथ का जो है भूमिका
शानदार रहा था। अवध के किस नवाब को सम्राट अहमद शाह ने 1748 में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? अवध साम्राज्य की स्थापना ही मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई थी। शहादत खान जो था ये कमीना, अपने ही हाथों जो है अपना काम खत्म कर लिया, जहर खा करके जो है मर गया। तो इसके बाद इसका बेटा शासक हुआ कौन? सफदरजंग। बेटा था ना, ना भतीजा, इनका भतीजा था। और ये 1739 से लेकर के 1754 तक रहा था। इसी के शासनकाल में, तब तक उधर भी जो है मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 48 में बदल जाता है। मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह शासक होता है। सफदरजंग को जो है उसके वफादारी से जो है प्रसन्न होकर के उसने इनको वजीर की वजीर का जो है पद प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि 1748 में वो दौर था जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया था पंजाब वाले बेल्ट पर। और 1748 में, फिर 1749 में, 1754 में, ऐसे करके मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि 7 से 8 बार जो है उसने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। अगला प्रश्न को जो है देखें, किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? अभी बताया था शहादत अली को जो है प्राप्त थी। और ये जो है उपाधि किसने दिया था? तो आप कहेंगे कि ये उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। किसके द्वारा? रंगीला के द्वारा जो है ये उपाधि प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अमजद अली के ही जो है सुपुत्र थे जिनका नाम था वाजिद अली, और वाजिद शाह अली अवध के अंतिम नवाब रहे थे, अंतिम रहे थे और 10वां रहे थे। कुल कितने अवध में जो है नवाब रहे थे? तो कुल 10 रहे थे। कुछ नहीं तो कम से कम जो है आप शुरू में शहादत को जो है याद कर लें, उससे पूछा जाता है शहादत। उसके बाद बना था कौन? सफदरजंग। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला। या तो इनसे मैटर बनता है और नहीं तो जो है सबसे लास्ट में अमजद अली और जो है वाजिद अली शाह। कुछ किताबों में दिया है कि क्या अवध का अंतिम नवाब जो है विरजिस कादिर था, विरजिस कादिर था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप भी जो है नहीं कहेंगे। इसी वाजिद अली शाह का जो है ये बेटा था जिसका नाम था क्या? विरजिस कादिर। 1857 की जब क्रांति हुई तो वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, बेगम थी, बेगम हजरत महल ने अपने उसी बच्चे को अवध का नवाब जो है घोषित कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भी कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, और ब्रिटिश हुकूमत ने जो ऐतिहासिक तथ्यों को दिया उसी को आधार मान करके बाद में जिन लोगों ने इतिहास लिखा तो उन्होंने लिखा कि नहीं, वाजिद अली शाह जो है अंतिम नवाब थे। हमारी एनसीईआरटी भी यही देती है तो हमको कहने में क्या हर्ज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? अकबर का मकबरा है कहां पर? अकबर का मकबरा कहां है? गाजीपुर? ना, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो है इसका मकबरा है। सॉरी, आगरा में इसका मकबरा है। और आगरा में इसका मकबरा अकबर अपने जीवन काल में खुद ही जो है स्थापित कराया था, उसको पूरा जो है जहांगीर ने कराया। आगरा में जगह है सिकंदरा, न कि सिकंदराबाद। सिकंदराबाद करेंगे तो फिर वो पहुंच जाएगा तेलंगाना। सिकंदरा में ये जगह कहां पर है? आगरा में। इस जगह की स्थापना हालांकि कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के समय में जो है हुआ था, आज भी है। आगरा जो है आप चले जाएं तो बिल्कुल ऑन रोड हाईवे पर ही जो है अकबर का जो मकबरा स्थित है। और अकबर के मकबरे को जाटों ने, उससे पहले मैं बता दूं कि जाट साम्राज्य की स्थापना हुआ कहां था? तो भरतपुर में हुआ था। कहां? भरतपुर। अब ये जगह कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे कि ये जगह पड़ती है राजस्थान में। किसके द्वारा किया गया था? चूड़ामल के द्वारा किया गया। कब? तो 1695 में किया गया था। कब जो है
ये काम किया गया था 1695 में किया गया, 1695 में चूड़ामल ने जो है जाट साम्राज्य की स्थापना की। उससे पहले औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में गोकुल, किसके द्वारा? गोकुल के द्वारा मथुरा में जो है विद्रोह किया गया, मथुरा में, और राजा राम के द्वारा, किसके द्वारा? राजा राम के द्वारा जो है विद्रोह किया गया 1689 में, कहां पर? आगरा में। ये जाट नेता था राजा राम, और 1689 में, हालांकि तब औरंगजेब शासन कर रहा था, लेकिन औरंगजेब उन दिनों जो है उधर व्यस्त था दक्षिण भारत में, उस पर जो है नशा उन दिनों उनका चढ़ा हुआ था छत्रपति शिवाजी का, और उससे भी ये परेशान जो है औरंगजेब अपने बेटे से था जिसका नाम जो है मोहम्मद अकबर था। उसी मोहम्मद अकबर अपने बेटे का वो जो है पीछा करते हुए दक्षिण भारत में गया था, तब तक इधर अकबर को जो है, अकबर के मकबरे को मुश्किल में डाल दिया। कौन? राजा राम ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके सिकंदरा को जो है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे को बिल्कुल उजाड़ दिया। इवन दैट अकबर की कब्र को खोद करके उसमें से उसकी अस्थियों को बाहर निकाल करके जो है उसने फूंक दिया, जला दिया। क्यों ऐसा किया? उसके पीछे प्रतिशोध था। मैं पढ़ाया था तो जो है आप लोगों को, अकबर को तो बताया भी था कि अकबर ने जब सिकंदरा में अपने मकबरे का जो है निर्माण कार्य शुरू कराया अपने जीवन काल में, तो उस जो पर्टिकुलर एरिया में आज वर्तमान समय में सिकंदरा का मकबरा है, वहां पर जाट लोगों की जो है बस्तियां थी। अकबर के जो है सैनिकों के द्वारा उन जाट लोगों को फरमान सुनाया गया कि सुबह तक जो है ये क्षेत्र, ये जगह खाली कर देनी है, यहां पर जो है मकबरे का निर्माण कराया जाएगा। स्वाभिमानी लोग होते हैं जाट लोग, उन दिनों भी थे आज भी हैं जहां हैं, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। आखिरकार अकबर के सैनिकों के साथ हुआ दो दो हाथ, और उनकी जो है बस्तियों को जला दिया गया, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर मानवीय संवेदना शून्य के बराबर रही है, और वही प्रतिशोध था। जब जाट नेता राजा राम ने विद्रोह किया तो उसने अकबर के मकबरे को बर्बाद कर दिया, उसकी अकबर न मिला, उसकी अस्थियां ही मिली, उसको उसने पट्टे ने फूंक दिया। इस घटना का जो है वर्णन किया है किस इतिहासकार ने? निकोलस मनुची ने किया है। मनुची कहां का रहने वाला था? वेनिस का रहने वाला था, इटली का जो है रहने वाला था। और पढ़ाया था तो आपको बताया कि वेनिस, ये मनुची जब आया था भारत में, तब एक सैनिक के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था। किसके शासनकाल में आया? शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां और औरंगजेब दोनों का ये शासनकाल जो है देखा था। इवन दैट शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम दारा शिकोह था, जिसको इसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था, मनुची उसके यहां भी नौकरी किया, और बाद में ये सेना में चिकित्सक का भी जो है काम किया। इसने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है इस्टोरियो, इस्टोरियो डी, इस्टोरियो डी मंगोर करके हैं, इस्टोरियो डी मंगोल, और इस्टोरियो डी मुगल, और इस्टोरियो डी मुगल नामक जो है ये पुस्तक में इस कथा का वर्णन किया है। इस किताब को, 17वीं शताब्दी का मुगल साम्राज्य का आईना कहा जाता है। हालांकि उसमें कुछ जो है बकवास बातें भी जो है इसने लिखा है, अब जो जितना सही रहा होगा उसने उसी में लिखा है। जब भारत में आया तो लोगों को पान खाते देखा, आप नेट पर जो है इसको सर्च भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। क्यों इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि सर ये सारी बातें आप कहां से लाते हैं? भाई हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। उसने लिखा था पान खाते लोगों को देखा, वो टेंशन में आ गया कि ये लोगों को ये कैसा रोग है, मुंह से ब्लड आ रहा है, भाई पान खाएगा तो अगला थूकेगा ही। ये जिनको देखता था उनको जो है, और ये और इसने लिखा है कि मेरा जो है आश्चर्य का ठिकाना तब और बढ़ जाता था, अगला जो है
पिक मारने के बाद भी फिर आराम से जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगला तो पान खा रहा था, इसको लग रहा था कि नहीं यार उसको कोई रोग है, कोई समस्या है। उस पर इसने रिसर्च किया तो देखा कि लोग हरा पत्ती खा रहे हैं और लाल रंग का जो है, इस घटना का वर्णन जो है इस किताब में उसने किया है। ऐसे ऐसे और भी जो है बेवकूफ़ी भरा जो है मैटर उसमें लिखा है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक को भारतीय इतिहास का दर्पण कहते हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। अगला देखें, अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? सतारा। सतारा जो कि मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई गई कब? 1700 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम के द्वारा। राजा राम कौन थे? छत्रपति शिवाजी के जो है पुत्र थे। सतारा को राजधानी बना लिया गया और सतारा का जब जो है विलय किया गया, सबसे पहला यह साम्राज्य था जिसको कि कब? 1848 में। कब? 1848 में हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश राज में मिला लिया। कौन? लॉर्ड डलहौजी, जब यहां के उन दिनों सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था अप्पा जी बापू। बहरहाल 48 में सतारा का जो है विलय किया गया था। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने ही किया। कब? 1849 को, जब सेकेंड एंग्लो सिख वार को जो है इसने जीत लिया और दिलीप सिंह को, राजा दिलीप सिंह जो कि अवयस्क थे, उनको 5,00,000 रुपए का पेंशन देकर के भेज दिया गया लंदन कि जाइए वहां एसएससी की तैयारी करिए, सॉरी पढ़ाई करिए। लंदन में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया और पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध का विलय किया गया कुशासन के आरोप में 1856 में। किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में 1856 में जो है इसको मिला लिया गया था, आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर। जबकि झांसी का विलय रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के जो है बात किया गया था। हालांकि 1849 में ही अंग्रेजों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि झांसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्य का हिस्सा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कब? 1849 में। लेकिन उनका वाकई में इस क्षेत्र पर अधिकार हुआ कब? 1858 में, जब 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास हिरोज के सेना के साथ लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी? अभी तो बताया था कब स्थानांतरित की, 1775 में। किसने स्थानांतरित किया था, किसने किया था? तो आसफ उद्दौला। किसने किया था? आसफ उद्दौला के द्वारा किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, इनमें से कौनो ना, सॉरी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी इसमें जितने भी जो है नाम दिए गए हैं, ये सभी शासक जो है अवध के नहीं हैं, बंगाल के हैं। बंगाल को पढ़ाया तो मैंने इसको विधवत बताया भी। आगे, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को, अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था, यानी जो है हड़प लिया था? तो अभी तो मैंने बताया था किसने ये काम किया था, तो किसने काम किया था? ये प्रश्न के विकल्प गलत लिखे हैं, यहां अब सही हो गया। नन ऑफ दिश कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नन ऑफ दिश सही होगा, क्योंकि आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर इसको कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिक्किम को दो अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्भाग्य, सिक्किम को जो है मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में 1850 में, तो दो अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। और दुर्व्यवहार क्या था? दो अंग्रेज डॉक्टर महीनों तक जो है सिक्किम में रहे थे, उनको कोई मरीज उनसे नहीं मिला, ये दुर्व्यवहार था। तो बड़ा विचित्र स्थिति थी। अब
सिक्किम के लोगों का जो है भाषा लेपचा है, वो लोग लेपचा बोलते हैं, वहां लेपचा जनजातियां भी हैं। ये जो है अंग्रेज, इनकी भाषा जो है अंग्रेजी थी, ओ माय डियर, नो माय डियर, ये करने वाले थे। तो भाई वो तुम्हारी भाषा ही नहीं समझेगा तो कहां से तुमसे इलाज कराएगा, तुम काहे का इलाज करोगे। लेकिन वो तो सिर्फ जो है बहाना था, निशाना इनका जो है किसी भी कीमत पर भारतीय राज्यों को जो है हड़पना था। लॉर्ड वेलेसली जो कि सब्सिडरी अलायंस के लिए या सहायक संधि के लिए जो है जाना गया, और सहायक संधि के लिए जाना गया, सहायक संधि डुप्ले के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि पहला भारत का जो है गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत जो है इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नरों को पढ़ाया है तो वहां पर बताया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? दैट तरीके कुप्रशासन के जो है कारण आउटरम के रिपोर्ट पर हुआ था। आपसे पूछे कि अपहरण नीति का शिकार सबसे पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र हुआ, तो उसका नाम था सतारा। कब? 1848 में। अपहरण नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ही बात है। तब उस समय यहां के जो है शासक कौन थे? अप्पा बापू थे। सहायक संधि के आधार पर, सहायक संधि के आधार पर सबसे पहले जो है किसका वो किया गया था, तो मैंने बताया था कि हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। उसके बाद कौन सा? तंजौर। उसके बाद कौन सा? उसके बाद कौन सा? मैसूर। उसके बाद जो है कौन सा? अवध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अवध के नवाबों का सही कालानुक्रम। अवध का पहला नवाब सादत खान था, जो कि 1722 से लेकर के जो है 1739 तक जो है रहा था। सादत खान, सादत अली ये दूसरा था, ये दूसरा व्यक्ति था। ये ध्यान रखेंगे कि ये इसी ने जो है स्वतंत्र अवध की स्थापना की, तो जहां फोर्थ होगा पहले वही सही होगा, क्योंकि एक ही जगह बस यही है तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे नहीं पता होगा तो वाजिद अली से आप पता कर सकते हैं। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हुए थे, तो जो है थर्ड विकल्प जहां लास्ट में दिया होगा वो सही है, तो उस हिसाब से भी विकल्प। आगे देखें, जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? जाट जाति, जाट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? चूड़ामल के द्वारा किया गया था। चूड़ामल के द्वारा कब? 1695 में। राजधानी भरतपुर बनाई गई थी। भरतपुर में इन्होंने एक किले का भी निर्माण कराया था। कहा जाता है कि जयसिंह द्वितीय, वही जिनको जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दिया था, जिनको फर्रुखसियर ने सवाई की जो है उपाधि दिया था, जिन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में जंतर मंतर की स्थापना कराया, जिज मोहम्मद शाही नामक एक जो है पुस्तक की रचना भी की, 1727 में उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की, और उन्होंने चूड़ामल को पराजित कर दिया, जो कि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। इस बात से चूड़ामल को बड़ा आघात लगा कि एक कलम चलाने वाला आदमी जिसको पढ़ना लिखना है उससे भी मैं हार जा रहा हूं। तब लोग जब हार जाते थे तो इस बात को इतना दिल पर ले लेते थे कि अपना दिल निकाल देते थे, और चूड़ामल ने भी यही काम किया, अपने ही तलवार से अपना जो है काम खत्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया था, बस इसलिए कि राजा जयसिंह ने, द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया था। चूड़ामल के बाद अगला जो है शासक हुआ यहां, जिसका नाम था जो है बदन सिंह, या कहीं कहीं इसका पूरा नाम था राम बदन सिंह। क्या नाम था? राम बदन सिंह। ये ध्यान रखेंगे, राम बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा महेंद्र की उपाधि दिया था, राजा महेंद्र की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? राजा महेंद्र की उपाधि दिया था, जबकि जयसिंह द्वितीय ने, किसने? जयसिंह द्वितीय ने इनको वज्रराज की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि? वज्रराज की उपाधि जो है दिया था किसने? जयसिंह द्वितीय ने। और इनको राजा महेंद्र की उपाधि किसने दिया? अहमद शाह अब्दाली ने दिया था।
अहमद शाह अब्दाली ने दिया था, इसलिए कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय जब पंजाब पर आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली, तो ये उन दिनों बड़ा सशक्त शासक हुआ करता था। राम बदन सिंह भरतपुर राजस्थान बूंदी वाले बेल्ट पर शासन करता था। सिखों ने इससे मदद मांगी थी, किससे? राम बदन सिंह से। लेकिन इसने सिखों की मदद न की, इस बात से अहमद शाह अब्दाली इससे बड़ा जो है खुश हुआ था। इसी का उत्तराधिकारी हुआ कौन, जिसका नाम जो है सूरजमल था, इसी को जो है अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफलातून के नाम से जो है इसको जाना जाता है। किसको? सूरजमल को, जो कि 1756 से लेकर के कब तक शासन करता है, 1763 तक जो है शासन करता है। जबकि राम बदन सिंह का जो है कार्यकाल, राम बदन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1721 से 56। इन लोगों का कार्यकाल आप लोगों से नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा जो है इनसे पूछा गया ये वाला मैटर इतिहास में कि राजा महेंद्र की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने किसको दिया था, तो आप बताएंगे बदन सिंह को। अफलातून इनको इसलिए कहा जाता है, आप भी जानते होंगे, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भी कहते हैं कि बड़ा अफलातून टाइप का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां बैठते हैं दो चार लोगों को जो है जो ही मिल गए, दो चार लोग उनको पा गए, तो अपना तारीफ जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके खुद के कर्म ऐसे नहीं रहते हैं कि उनकी तारीफ में दो शब्द कोई बोल सके, तो वो पट्टे शुरू से लेकर के अंत तक अपने मुंह अपनी तारीफ करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अफलातून कहते हैं, और सूरजमल वही था, और ये उपाधि भी उसको उसके दरबारियों ने दिया था। अपने दरबार में जो है पूरे के पूरे जो है दिन अपनी तारीफ में निकाल देता था। आज भी ऐसे जो है विचित्र टाइप के प्राणी मिलेंगे। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय, दुधारू गाय जो है कहा किसने था, अवध को दुधारू गाय कहा था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने कहा था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कहा गया था। और जब जरूरत पड़े तब अवध के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, उस समय भी कीमत अवध को चुकानी पड़ी। बनारस की संधि हुई, कीमत अवध को चुकानी पड़ी, और अवध उन दिनों उसके पास जो है कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में जो है फंस चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, स्वतंत्र अवध की स्थापना किसने, सआदत अली ने किया। बस आपको जो है याद हो जाए इसलिए मैं बार बार इसको। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने किया, मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है किया गया। हैदराबाद निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क के द्वारा जो है किया गया। मैसूर की स्थापना स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में हैदर अली ने किया था। ये जो है 1761 में हुआ, ये 1725 में हुआ, ये जो है 1717 में हुआ, ये जो है 1722 में हुआ, और ये जब भी हुआ तब जो है मुगल साम्राज्य भारत में अपने पतन की ओर जो है जा रहा था। अधोलिखित में से निम्न शासकों ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर किया, इस तरीके मैं पहले ही बता दिया था इसको। कब हुआ इलाहाबाद की द्वितीय संधि? 1765 में हुआ। रावण क्लाइव अवध का नवाब शुजाउद्दौला और नजमुद्दौला ने उस पर हस्ताक्षर किया था। इतिहासकारों ने लिखा कि ये दो दो संधियां इतने कम समय में हो गई कि उससे कम समय में तो एक गधा खरीदा जा सकता है। बहरहाल नजमुद्दौला जो कि मीर जाफर का बेटा था, क्लाइव और शाह आलम ना शुजाउद्दौला दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और शुजाउद्दौला, ये विकल्प जो है सही होगा। कौन सा अंतिम विकल्प जो है 100% सही है? इलाहाबाद की संधि। जबकि ये जो संधि हुई थी बलवंत सिंह के साथ, आगे मैं पढ़ाया था तो इसको जो है बताया था। हकीकत तो थी कि इस पर जो है सिग्नेचर करने वाला एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नजमुद्दौला। क्या नाम था? नजमुद्दौला। उस समय ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अवध के किस सरदार ने विष खाकर के आत्महत्या कर ली? अभी तो मैंने बताया बैला
अपने हाथों अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मार लिया था शहादत खां। शहादत खां कब? 1739 में। 1739 में कुछ लोगों ने जो है इस पर कुछ इतिहासकारों ने अपने विचार व्यक्त किए कि इसी के कहने पर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, क्योंकि नादिर शाह जो है करनाल जो कि आज बिहार हरियाणा का जिला है, हरियाणा का जिला है तब दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था, वहीं 50 लाख रुपया जो है मोहम्मद शाह रंगीला से जो है ले लिया युद्ध हरजाने के रूप में और जा रहा था। शहादत अली ने उससे अलग से मिलकर के और कहा था कि तुम अगर दिल्ली पर आक्रमण करते हो तो 20 करोड़ मैं दूंगा, और वो आ गया। भाई 20 करोड़ उन दिन आज बहुत बड़ी बात है, तो उन दिनों तो पूछना ही नहीं था। दिल्ली को उसने जी भर लूटा, खरबपति बन गया, करोड़ों रुपए का जो है कोहनूर हीरा ले उसके हाथ लगा, तख्ते ताऊस जिसको शाहजहां ने बनवाया था उसको भी अपने साथ ले गया, और इसको जो है बुलाया, कहा 20 करोड़ तुम भी देने के लिए कहे थे ना, तो इन्होंने कहा हम मजाक किए थे। कहा अच्छा, हम ही तुमको मजाक करने के लिए मिले थे। अब उसने अपनी म्यान से जो है तलवार निकाल ली और इनसे कहा तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो मेरे हाथ मर जाओ नहीं तो अपने हाथ मर जाओ। और उसी का एक सरदार ने इनको जो है जहर दिया था, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह इनके सामने दो विकल्प रख दिया, या तो खुद मर जाओ नहीं तो मैं अभी ऑपरेशन कर दूंगा। तो इन्होंने वो जहर खुद खा ली थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपनी एनसीईआरटी ने भी लिखा कि नहीं इनको बुलाया था और ये जो है जाने से इनकार कर दिए, और ये काम उन्होंने फैजाबाद में ही कर लिया था। बहरहाल इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न, उससे पहले बता दूं कि ये पहला शासक था बक, ये पहला शासक था, ये जो है सफदरजंग दूसरा शासक था, ये जो है तीसरा शासक था, ये महोदय जो है चौथा शासक थे। और इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। और कभी कभी यही एक बार पूछा कि अवध का अंतिम नवाब किसका बेटा था, तो आप कहेंगे अमजद अली का, अमजद अली शाह का ये बेटा था। या फिर क्वेश्चन पूछा कि वाजिद अली शाह का जो है बेटा कौन था जो कि 1857 की क्रांति में उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो विरजिस कादिर, इसको मुमताज महल ने जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह था आज का सेशन। ये हमारी संस्था के द्वारा जो है कुछ जारी की गई जो है किताबें हैं, जिसको आप परचेज करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए, और इन पुस्तकों का जो है अध्ययन करके अपनी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आज बस इतना, शेष अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं।